नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, अमेरिका ने भारत को एक अच्छा ऑफर दिया है कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन को रोकने के लिए एक योजना बना सकता है। अमेरिका ने भारत को ऑफर किया है कि भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया की चरमराती अर्थव्यवस्था का फ़ायदा उठा सकता है और अपना एक मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप में बन सकता है। साथ ही चीन को हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में मिलकर वहाँ से निकाल फेंकने के लिए अमेरिका के साथ काम करना चाहिए। हालांकि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी भारत के लिए एक चिंता का विषय है, पर भारत ने इसी के चलते श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर सहित कई क्षेत्र देशों में सैन्य और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाया है और उन देशों में अपने प्रति विश्वास को उत्पन्न किया है, क्योंकि चीन इन सब देशों को कर्ज जाल में फंसाकर वहाँ पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के सपने दिखाता है, फिर वे देश कर्ज नहीं चुका पाते और उनसे उनकी जमीन हड़प लेता है और लीज पर ले लेता है, कहीं से 99 साल पर तो कहीं से कितने, और उन प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा का दावा करके वहाँ पर अपनी सेना तैनात कर देता है। ऐसे में महामारी के समय में भारत इन देशों की अर्थव्यवस्था को बचाकर और वहाँ पर आर्थिक तबाही को रोककर अपना दबदबा बढ़ा सकता है। और वैसे भी पाकिस्तान, चीन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्ज आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करता है। चीन को स्थिति का अंदाज़ा हो गया है और ऐसे में वो भी सीमा विवाद को लेकर अपने सुर बदलने लगा है। चीन की तरफ से दावा किया गया है कि हालात इस समय नियंत्रण में है और चीन बातों से अब इस मामले और इस विवाद को सुलझाना चाहेगा। हालांकि चीन बाहर से अपने सुरों में नरमी दिखाता है, पर सीमा पर वो सीनाजोरी करता है। चीन ने अक्साई चीन में सुखोई SU-27 J-20 और अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं और वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी, अपने जो ड्रोन की तरह हेलीकॉप्टर होते हैं, उन्हें तैनात कर दिया है। दोस्तों, चीन ने वहाँ पर Sukhoi-27 की एक कॉपी है जो फाइटर जेट उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया है, वो भी वहाँ पर तैनात कर दिया है। और ऐसे में भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है कि भारत भी अमेरिका के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि युद्ध के समय में रूस तो भारत का साथ कतई नहीं देने वाला है। हालांकि वो चीन का भी साथ नहीं देगा, परंतु ऐसे में अमेरिका भारत का साथ लेकर चीन को हरा सकता है और रूस भी नहीं चाहेगा कि एशिया में उससे आगे निकलकर चीन एक महाशक्ति बने और उसको भी टक्कर दे, या चीन उससे आगे निकलकर रूस को पीछे छोड़ दे, और रूस ऐसा कतई नहीं चाहेगा कि वो पीछे रह जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में